जम्मू क्षेत्र में भी एक मिनी कश्मीर है। वही बर्फबारी, वैसा ही नज़ारा, लेकिन इलाका कश्मीर रीजन का नहीं बल्कि जम्मू रीजन का। SNN टीवी इंडिया पर हमारी कोशिश होती है कि हम आपको कुछ हटकर खबरें दिखाएं, खबरें जो आपके काम की हो, जानकारी बढ़ाने वाली हो या सुकून देने वाली हो। इसी कोशिश के तहत आज हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले के भदरवाह का, जिसकी खूबसूरती कश्मीर की घाटी से कम नहीं। इसलिए इस क्षेत्र को मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। आपको बता दें, भदरवाह मध्य हिमालय के पीर पांजाल रेंज की गोद में बसा शहर है और प्रकृति की खूबसूरती समेटने के साथ धार्मिक आस्था का भी अहम पड़ाव है। भदरवाह में ही भगवान वासुकी नाग की पूजा के बाद श्रद्धालु कैलाश यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो भदरवाह के गांव रूडू की है और आज यानी 13 फरवरी की है। फरवरी के दूसरे हफ्ते तक आते आते यहाँ बर्फबारी का असर कम होने लगता है और जनजीवन पटरी पर लौटने लगती है, लेकिन दिसंबर के आखिर और जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में यह बर्फबारी का नज़ारा कश्मीर की घाटी जैसा ही होता है, जब यहाँ का तापमान शून्य या उससे भी नीचे पहुँच जाता है। लेकिन उन सैलानियों के लिए ये वक्त बहुत शानदार है जिन्हें ज़्यादा सर्दी परेशान करती है। अगर बर्फीली वादी का नज़ारा बिना ज़्यादा परेशानी के देखनी है तो जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में मौजूद मिनी कश्मीर यानी भदरवाह की सैर आपके लिए सबसे रोमांचक रहेगी। यहाँ पर भदरवाह फोर्ट से लेकर पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, खूबसूरत वादी में कैंपिंग जैसे कई ऑप्शंस सैलानियों के लिए मौजूद हैं, लेकिन बर्फीली वादी घूमने का मजा ही कुछ और है। आप ये भी जान लें कि जम्मू से भदरवाह सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है और यहीं पर 3 दशक पहले यश चोपड़ा की मशहूर फिल्म नूरी की शूटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद 2015 में फिल्म लव जिहाद की शूटिंग हुई। आतंकवाद की वजह से बीच में कई दशक तक फिल्मों की शूटिंग नहीं हुई और सैलानियों के लिए भी ये जगह अछूता रहा, लेकिन इससे इस जगह की खूबसूरती पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भदरवाह की खूबसूरती की झलक ये तस्वीरें आपको दे रही हैं। आपके लिए ये जानकारी भी दिलचस्प है कि पूरी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट राजमा भदरवाह का ही माना जाता है। हमें ये वीडियो हमारे एक दर्शक ने भेजी है जो सभी देशवासियों को भदरवाह की खूबसूरती से रूबरू कराना चाहते हैं। हम अपने दर्शक कुंजलाल भगत जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आप सबों से भी अपील करते हैं कि अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प वीडियो है या दिलचस्प वीडियो बना सकते हैं तो हमें हमारे ईमेल snntvindia@gmail.com पर भेजें। आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल SNTV इंडिया को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।